प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिलवासा दौरे पर, प्रधानमंत्री ने सिलवासा में किया मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, सैन्य पुलिस की कोर में 20% होगी महिलाओं की भागीदारी। पुलिस में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं किया जाएगा बर्दाश्त, डीजीपी कपिल गर्ग ने कहा, विभाग में जारी रहेगा डिकॉय ऑपरेशन। जिला निर्वाचन अधिकारी जगरूप सिंह यादव ने लोकसभा चुनावों की तैयारी के लिए ली अधिकारियों की बैठक, स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान पर फोकस करते हुए आवश्यक तैयारियां शुरू करने के दिए निर्देश। और निर्वाचन विभाग की ओर से जयपुर के विभिन्न मतदान केंद्रों पर आज किया जा रहा है मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण, 18 वर्ष के युवा मतदाता सूचियों में जुड़वा सकेंगे अपना नाम। नमस्कार, दोपहर 2:30 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है, मैं हूं राकेश वशिष्ठ। आइए जानते हैं समाचार अब विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिलवासा दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास उन्होंने कर दिया है। दीव, दमण, दादरा अने नगर हवेली माटे आरोग्य अने टेक्नोलॉजी ना समन्वय रूप दमन गंगा रिवर फ्रंट के पीछे की भावना भी यही है। अब यहां आने वाले पर्यटकों के लिए एक और आकर्षण का केंद्र यहां बनकर तैयार है। इसके अलावा यहां पर 200 स्क्वायर मीटर किलोमीटर का रिजर्व फॉरेस्ट एरिया भी है। ये फॉरेस्ट एरिया टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए वरदान है। मधुबन डैम के कैचमेंट एरिया में वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। दादरा और नगर हवेली की इंटरनेट कनेक्टिविटी भी बेहतर हो, इसके लिए यहां के प्रमुख टूरिस्ट सेंटरों और अहम जगहों पर फ्री वाईफाई की सुविधा देने का प्रयास चल रहा है। साथियों, टूरिज्म के साथ रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सैन्य पुलिस की कोर में 20% पदों पर महिलाओं को श्रेणीबद्ध तरीके से शामिल किया जाएगा। सशस्त्र बलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सेना पुलिस की कोर में पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक की भागीदारी बढ़ेगी। सेना की मदद के साथ महिलाओं से जुड़े मामलों की जाँच में इनकी विशेष भूमिका होगी। जयपुर स्थित पुलिस मुख्यालय में प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कपिल गर्ग ने आज पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रदेश के थानों में स्टाफ के व्यवहार की जानकारी के लिए डिकॉय ऑपरेशन जारी रहेंगे। डीजीपी गर्ग ने साफ शब्दों में कहा कि जिस व्यक्ति के साथ अपराध हुआ है उसकी शिकायत दर्ज होनी ही चाहिए, साथ ही विभाग में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डिकॉय ऑपरेशन का मतलब यह कि मैं अपने महकमे के जो मेरे साथी हैं जो काम कर रहे हैं ये देखना चाह रहा हूँ कि वो जो उनसे अपेक्षित है उस रूप से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर वो अपेक्षा के अनुरूप काम कर रहे हैं तो मैं उनको पुरस्कृत कर रहा हूँ, और अगर अपेक्षा के विपरीत काम कर रहे हैं तो उन्हें उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई कर। भ्रष्टाचार के मामले में राज्य सरकार की भी एक नीति है कि भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, और पुलिस विभाग भी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेगा। तो आपने अच्छा प्रश्न पूछ लिया, तो मैं बता दूं, अगर मेरे पास किसी की ये शिकायत आएगी मेरे विभाग के अधिकारी या कर्मचारी के लिए कि वो पैसा या भ्रष्टाचार के रूप में कुछ मांग रहा है, तो मैं उसका एसीबी को हैंडओवर करूंगा। ये जो ग्राम रक्षक है ये हमारे पुलिस के संबंधित गाँव से या ग्राम पंचायत से जिस स्तर पर भी वो होते हैं वहाँ पर ध्यान रखना, हमें सूचना देना, हम जाएं तो हमारे कार्य में सहयोग करना, उनकी काफ़ी सारी ड्यूटीज़ उसमें ऑलरेडी परिभाषित हैं कि वो क्या करेंगे। लेकिन ये 2007 से अभी तक इसका उपयोग नहीं किया गया, तो अभी राज्य सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव भी नहीं भेजा गया। अभी हम प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं और फिर राज्य सरकार
को भेजेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि हमारे इस प्रस्ताव पर विचार करके निर्णय लें। हमारी इच्छा ये है कि हमसे गांव में, हर गांव में एक व्यक्ति जुड़े जो हमें हर समय की सूचना मिलती रहे और कोई बात बढ़ने से पहले हमें पता रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी और जयपुर कलेक्टर जगरूप सिंह यादव ने लोकसभा चुनावों की पूर्व तैयारी के लिए निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि वे स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान पर फोकस करते हुए आवश्यक तैयारियां शुरू कर दें। उन्होंने आगामी 25 जनवरी को 9वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में विधानसभा मुख्यालयों और मतदान केंद्रों पर गतिविधियां आयोजित करने के भी निर्देश दिए। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जयपुर के विभिन्न मतदान केंद्रों पर आज मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कैंप लगाए गए। इन कैंपों में 1 जनवरी 2019 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके नवीन मतदाताओं के पंजीकरण का काम किया गया। साथ ही मतदाता सूचियों में नाम हटवाने और जुड़वाने सहित संशोधन के काम भी किए गए। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से ये 2 दिवसीय कैंप लगाया गया है। आज और कल 9 बजे से 6 बजे तक इसमें सभी जो भी मतदाता हैं, 18 साल के हो गए हैं, 1 जनवरी 2019 को जो भी मतदाता 18 वर्ष के हो गए हैं उनके पहचान पत्र बनाए जाने हैं और राज्य सरकार द्वारा भी इस ओर प्रयास किए जा रहे हैं। मीडिया के माध्यम से और क्या नाम से अखबारों के माध्यम से ये प्रचार प्रसार कराया जा रहा है कि सभी जो भी वंचित मतदाता हैं वो यहाँ आके और अपना पहचान पत्र के लिए फॉर्म नंबर 6 भरें। अगर कोई संशोधन है तो उसके लिए हम 8 नंबर का फॉर्म अवेलेबल करवाते हैं और उनका संशोधन करवाते हैं। इसके अलावा हमारे सभी BLO भाई निर्देशानुसार घर घर जाके सर्वे भी कर रहे हैं। मतदाता हूँ और यहाँ पे बापू नगर से अपना बगरू क्षेत्र में ट्रांसफ़र करवाने के लिए आई हूँ। ये वोटर आईडी चेंज करवाने के लिए, अपना रेजिडेंस शिफ्ट हो गया तो उसको चेंज कराने के लिए आई। परंपरागत खेती के प्रोत्साहन के लिए बागधारा संस्था की ओर से जनजातीय संप्रभुता समागम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत सच्ची खेती, सच्चा बचपन, सच्चा स्वास्थ्य और जनजातीय संस्कृति पर समुदाय के अनुभव समाज के समक्ष साझा किए गए। मुख्य अतिथि महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति उमाशंकर शर्मा ने कहा कि परंपरागत कृषि के साथ खेती में आधुनिक तकनीक अपनाने पर जोर दिया जाए, जिसमें एक तो जल मेरा तो जल है तो जीवन है, तो जल को बचाने की आवश्यकता है क्योंकि हम रासायनिक का जो भी DAP यूरिया उसका उपयोग करने से हमारे जो किसान के मित्र था केचुआ वो खत्म हो गया है। प्रदर्शनी में विशेष रूप से जो किसानों के खोते हुए बीज और जो माल, जो छोटा धान था जो खो रहा था, जो सब्जियां थी, वह जनजाति समुदाय आज भी सब्जी को सुखा करके काम में लेता है। जब सब्जी का उपस्थिति नहीं होती तब उसे संभाल करके रखता है। तो किस प्रकार से दुनिया के लिए हम एक मॉडल बनकर के उभर के आए, उदाहरण तौर पे उभर के आए, ये प्रदर्शनी थी। इसके माध्यम से क्योंकि आप स्मॉल मिलेट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, चाहे इसमें रागी है, कोदा है, कदमनी है, इसमें अपना बाजरा है, ज्वार है, इनको हमें प्रयोग में, जो हमारे पुराने खाद्य पदार्थ थे उनका उपयोग हमें निश्चित रूप से करना चाहिए। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुए आतंकी हमले में जोधपुर की एक सामाजिक कार्यकर्ता शिप्रा शर्मा की मृत्यु हो गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिप्रा की मौत पर संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि आतंकवाद से पीड़ित परिवारों के पुनर्वास जैसे नेक काम के लिए अफगानिस्तान गई शिप्रा की मृत्यु अत्यंत दुखद है। उन्होंने जरूरतमंदों की मदद के भारतीयों के जज्बे को सलाम करते हुए कहा कि शिप्रा ने प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। करौली जिले के मासलपुर क्षेत्र में LNT चालक को बंधक बनाकर नाक में नकेल डालने और अपशिष्ट तथा तेजाब पिलाने जैसे अमानवीय कृत्य करने के आरोपी डकैत रामलखन गुर्जर के मुख्य साथी श्रीनिवास गुर्जर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। करौली SP प्रीति चंदा के निर्देशन में पुलिस ने आरोपी से 315 बोर सिंगल शॉटगन और 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। डांग क्षेत्र के मासलपुर थाना क्षेत्र में अभी एक हफ्ते पहले आप सभी के ध्यान में ये इशू होगा कि एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बड़ी ही अमानवीय घटना एक LNT ड्राइवर के साथ की गई थी और इस बाबत मासलपुर थाने में मुकदमा भी दर्ज हुआ था।
तो ये कृत्य करने वाले जो दस्यु थे वो इनामी बदमाश थे कई ज़िलों में और कई राज्यों में भी पहले से ही। हमारे भी ज़िले में ये इनामी बदमाश थे। इनमें से एक बदमाश को हमारे मासलपुर थाने पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया है। जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय से जुड़े प्रदेश के सभी शास्त्रीय और आचार्य महाविद्यालयों में परीक्षा 2019 के लिए आवेदन पत्र 21 जनवरी से भरे जाएंगे। परीक्षा नियंत्रक नरेंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि प्रदेश के संस्कृत महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र 21 जनवरी से 31 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। समग्र शिक्षा अभियान के तहत दौसा जिले में दिव्यांग खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक राजेंद्र शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता में जलेबी दौड़, रस्साकस्सी और रुमाल झपट्टा जैसे खेलों में दिव्यांग बच्चों ने उत्साह के साथ भाग लिया। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता का उद्देश्य दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। यह कार्यक्रम हमारे जो ऐसे बच्चे हैं जिनको विशेष आवश्यकताएं हैं, जो दिव्यांग हैं, उनमें आत्मविश्वास पैदा करने के लिए और उनके अंदर कई हीन भावना नहीं हो और वो अपनी क्षमताओं को पहचाने, ईश्वर ने उनको कुछ लिया है तो कुछ अन्य दिया भी है और उनकी अपेक्षा, वो यहाँ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करके उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा हो और एक साथ दूसरे को देख करके उनके अंदर ऐसा भी महसूस हो कि हम अकेले ऐसे नहीं हैं, ऐसे हम बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग हैं तो हम पढ़ लिख करके आगे अपनी क्षमताओं के आधार पर हमारा भविष्य बना सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में खेली गई द्विपक्षीय वनडे सीरीज में भारत ने इतिहास रचते हुए आखिरी वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेट से हराकर सीरीज अपने नाम की। ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर भारत ने यह पहली द्विपक्षीय सीरीज जीती है। और आइए एक बार पुनः नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिलवासा दौरे पर। प्रधानमंत्री ने सिलवासा में किया मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, सैन्य पुलिस की कोर में 20% होगी महिलाओं की भागीदारी। पुलिस में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं किया जाएगा बर्दाश्त, डीजीपी कपिल गर्ग ने कहा, विभाग में जारी रहेगा डिकॉय ऑपरेशन। जिला निर्वाचन अधिकारी जगरूप सिंह यादव ने लोकसभा चुनावों की तैयारी के लिए ली अधिकारियों की बैठक। स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान पर फोकस करते हुए आवश्यक तैयारियां शुरू करने के दिए निर्देश। और निर्वाचन आयोग की ओर से जयपुर के विभिन्न मतदान केंद्रों पर आज किया जा रहा है मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण। 18 वर्ष के युवा मतदाता सूचियों में जुड़वा सकेंगे अपना नाम। और फिलहाल इस समाचार बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।